नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है बप्पी सिंह, आप देख रहे हैं बप्पी कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल पनीर कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है दोस्तों, वे बिना टमाटर के। आजकल टमाटर बहुत ही महंगे हैं, तो बिना टमाटर के सब्जी भी बहुत बढ़िया बनते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये हमारे पास 8 प्याज है, हमने इसको फ्राई कर लिया दोस्तों गोल्डन ब्राउन में। अगर पूरे वीडियो दिखा दूँ तो काफ़ी लंबे हो जाते वीडियो। ये हमारे पास 700 ग्राम पनीर है दोस्तों, थोड़ा मोटे मोटे स्लाइसेस में इसको हम काट लेंगे लंबे लंबे। आप अपने हिसाब से पीसेस रख सकते हैं, बट ऐसे ही रखे अच्छा लगता है कोरमा में। अब रख लेते हैं एक पैन, 4 से 5 चम्मच डाल देंगे तेल। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे दोस्तों। एक एक करके सारे पनीर हम इसी में डाल देंगे। 2 मिनट इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे दोस्तों अलट पलट के। इसी तरह पलट के इसको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से दोस्तों। हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, बस 2 मिनट बहुत है। ये देखिए हमारा पनीर भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है दोस्तों। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब साथ में रख देंगे एक बाउल, उसमें डाल देंगे हम पानी। ये नॉर्मल पानी है दोस्तों। थोड़े से डाल देंगे नमक, थोड़े से डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, चुटकी भर डाल देंगे हींग। हींग जरूर डालें दोस्तों। इसी पानी में हम पनीर को डालेंगे, ताकि हमारे पनीर थोड़ी फ्राई किया हुआ है तो वो रबर जैसा बन जाता है, फ्राई होने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसी पानी में डाल के रखेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, स्पॉन्जी की तरह दोस्तों। आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। इसको भिगो के हम पानी में छोड़ देंगे, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारे पास 20 से 22 काजू है, हमने तो गर्म पानी में इसको 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। ये हमारे पास 8 प्याज है। अब एक रख लेंगे मिक्सी के जार, उस पर हम डाल देंगे हमारे काजू, ये प्याज और 1 कप डाल देंगे दही। मैंने थोड़े से प्याज बचा लिए दोस्तों, वो मैं आगे काम पे यूज़ करूँगा, आपको बाद में बताऊँगा उसमें क्या यूज़ करना है हमें उस प्याज का। अब इसको हम पीस लेंगे दोस्तों। ये देखिए बिल्कुल दरदरा पीसे, थोड़ा दानेदार होना चाहिए हमारी मसाला जो है, तभी हमारा कोरमा बहुत ही बढ़िया बनेगा दोस्तों। अब रख लेंगे एक कढ़ाई, 3 चम्मच डाल देंगे घी। घी पे अब जरूर बनाएंगे दोस्तों, चाहे तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे दोस्तों, 1 सेकेंड इसी तरह इसको चला लेंगे। अब डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी 1 सेकंड इसी तरह चला लेंगे, इसका कच्चापन खत्म करना है हमें। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे दोस्तों, ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे हम 3 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच डाल देंगे शाही पनीर मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे दोस्तों चाट मसाला। चाट मसाला जरूर डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पनीर के सब्जी में। 1 मिनट इसी तरह इसको भून लेंगे अच्छी तरह। अब डाल देंगे इसमें पानी, छोटे कप का 1 कप पानी डालेंगे दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरह चलाते हुए। अब इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। एक बार कवर हटा लेंगे दोस्तों, चिपकना स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पर हम डाल देंगे हमारा प्याज, काजू और हमने दही का जो पेस्ट बनाए थे दोस्तों, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे जो हमारा मसाले लगा हुआ था हमारे जार में मिक्सी के। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब एक साइड हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, साथ साथ डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। इसके रिजल्ट आपको बाद में दिखाई देगा, आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करिए। जब तक ये हमारे 2 मिनट में लो गैस पे इसको हम छोड़ दिए, तब तक हम पनीर चेक कर लेते दोस्तों। ये देखिए हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी, ये देखिए। अब एक बार कवर हटा के चेक कर लेंगे, ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर निकल कर आया है।
और भी कलर निकलेगा जो लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने पहले इसलिए नहीं डाला दोस्तों क्योंकि हमने पहले दही डाले थे, तो नमक की वजह से कई बार दही हमारा फट जाता है, तो इसलिए मैं अभी डाल रहा हूँ नमक। ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है, हाथ से क्रश करके इसी तरह डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का। अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे मसाला बिल्कुल भून के तैयार है, कितने दानेदार बने, दानेदार जरूर बने दोस्तों, तभी आपका कोरमा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। दो गिलास डाल देंगे पानी, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से देख सकते हैं आपको ग्रेवी कैसे चाहिए। हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के एक बॉयल आने देंगे दोस्तों। इस पर एक उबाल आ चुका है, अच्छे से चला लेंगे इसको एक बार दोस्तों। अब इस पर हम डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ पनीर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला और पनीर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब एक बार कवर हटा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों, आप एक बार जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। कभी आपके घर में मेहमान आए तब भी आप बना सकते हैं। ये देखिए इसकी ग्रेवी देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है, ठंडा होने के बाद थोड़े से और जम जाएंगे और भी मज़ेदार लगेगा देखने में। ये हमने थोड़ा सा प्याज बचा के रखे थे जो दोस्तों ऊपर से डाल देंगे गार्निश के लिए, ताकि खट्टा मिठास वाले आते हैं दही की वजह से, खट्टा और भुना हुआ प्याज की वजह से एक मिठास बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल कर आता है। ये देखिए दोस्तों कलर कितना बढ़िया निकल कर आया है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, अगर हमारे रेसिपी को थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पर रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुँच जाए दोस्तों। अब निकाल लेंगे एक सर्विस बॉल में, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये न्यू स्टाइल रेसिपी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।